এখানে গাড়ি যাওয়াটা একটু দুষ্কর, এত উপরে ট্রেন যাচ্ছে তো সবাই এটাকে এনজয় করে। ট্রেন কিন্তু খুবই মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আমার কাছে অন্যরকম একটা রোমাঞ্চকর দিক বলা যায়। স্বাগতম সবাইকে মিচুর রিয়াকশনে, আমরা চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে আজকে আরো একটি নতুন ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে কি ভিডিও শেয়ার করতে পারি? আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি দেখতে যাচ্ছি সেই ভিডিওটি হচ্ছে একটি ট্রেনের ভিডিও। আর এই ভিডিওটি টাইটেলটি হচ্ছে হেরিটেজ ট্রেন পাতালপানি টু কালাকুন ট্র্যাক এমপি ট্যুরিজম ইনডোর হেরিটেজ ট্রেন রুট রেনি সিজন। অনেক বড় একটা টাইটেল। আর এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি মাইডাস টাচ অ্যাডভার্টাইজিং থেকে। ওনাদের অরিজিনাল ভিডিওর লিঙ্কটি আমাদের ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে ওখান থেকে ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সবাই মিলে ট্রেনে চড়ে আসি। চলুন, ট্রেনের আগে আকাশ দেখাচ্ছে। हरियाली की चादर ओढ़े पर्वतों के कांधों पर बादल अटखेलियां कर रहे हैं। गहरे हरे पत्तों पर बारिश की बूंदें मोतियों की मानिंद लुढ़क रही हैं। ऊंची चट्टानों से झरने यूं गिर रहे हों जैसे चांदी बह रही है। बेबाक बेरोक कल कल बहती पहाड़ी नदियां जीवन का राग सुनाती हैं। और इन सब के बीच से आप एक ट्रेन में बैठकर गुजर रहे हैं। इस अनूठे अनुभव को आप जी सकते हैं भारतीय रेल की हेरिटेज ट्रेन यात्रा करके। भारतीय रेल ने महू और कालाकुंड के बीच लगभग 140 साल से अधिक यह ट्रेन चलाकर मध्य प्रदेश के इन अनदेखे व ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के अनूठे पर्यटन अनुभव का अवसर पर्यटकों को उपलब्ध करवाया है। महू से निकलने वाली इस हेरिटेज ट्रेन के लिए पर्यटकों में खासा उत्साह रहता है, जिसके चलते इसकी टिकटों की काफी मांग है। Convenient to come from Indore here. It's like an hour drive and the weather is good, so I'm sure that we are going to see nice waterfalls. बरसात के इस मौसम में प्रकृति के इन अद्भुत नजारों का आनंद लेने के लिए पर्यटक सुबह से ही अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन पर परिवार और मित्रों के साथ पहुंचने लगते हैं। So excited! This is our first journey to Heritage Train. Thanks to MP government for arranging this beautiful moment, because it's an adventurous tour for everybody. And we have a lot of place near surrounded by Mau, which we have a natural beauty there. जैसे ही सुबह 11:05 पर ये ट्रेन स्टेशन को छोड़ आगे बढ़ती है, तो ट्रेन के पिछले भाग में लगे पारदर्शी कांच के जरिए हरे खेतों के बीच से सरपट दौड़ती ट्रेन पर्यटकों में रोमांच भरने लगती है। साथ ही ट्रेन में लगे 360 डिग्री पर घूमने वाले वीडियो कैमरा की मदद से अंदर लगी एलईडी स्क्रीन पर भी कुदरत की इस बेजोड़ सुंदरता को निहारा जा सकता है। It is such a wonderful feeling, and more so when we are in the monsoons, the valleys and the area all around is so beautiful, so wonderful. अंबेडकर नगर स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी तय करके हेरिटेज ट्रेन अपने पहले पड़ाव पातालपानी रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। प्रकृति की वादियों के बीच बने इस धरोहर स्टेशन का कायाकल्प कर इसे सहेजा गया है। विभिन्न कलाकृतियों, दशकों पुराना यह विंटेज छत पंखा तथा मनमोहक चित्रकारी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। 15 मिनट के लिए जब यह ट्रेन यहाँ रुकती है तो पर्यटक संगीत की धुनों पर थिरकने लगते हैं। पातालपानी स्टेशन से आगे बढ़कर ट्रेन कुछ ही दूरी पर जब रुकती है तो वो स्थान आता है जिसका पर्यटक बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, पाताल पानी जलप्रपात। खूबी सुंदर। पहाड़ी चट्टानों को काटकर बने रेलवे ट्रैक पर जब ट्रेन रुकती है और पर्यटक ट्रेन से उतरकर बढ़ते हैं उस तरफ, जहां हरितिमा का दुशाला ओढ़े पहाड़ों के बीच से लगभग 300 फीट गहरी वादी में गिरते पाताल पानी जलप्रपात के रोमांच का अनुभव होता है। इंदौर जिला प्रशासन द्वारा इस जलप्रपात को देखने के लिए सुंदर व्यू पॉइंट्स का भी निर्माण किया गया है। ये जलप्रपात हमेशा से ही सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ हर सैलानी इस विहंगम दृश्य के अनुभव को अपने कैमरे में समेटने के लिए आतुर रहता है। साथ ही पर्यटकों की सुरक्षा के लिए प्रपात व खाई के आसपास रेलिंग का निर्माण भी किया गया है। पाताल पानी तो आज से नहीं, बचपन से हम जब से सुनते आ रहे हैं तब से पाताल पानी की लोकेशन थी।
पर उस पर डेवलपमेंट जो अच्छा हुआ है, रेलिंग और बैरिकेड्स लगे हैं, तो दुर्घटनाओं से बचाने की भी बेसिक जो हुई है वो भी बहुत अच्छी है और पूरी प्रकृति आनंदमयी और रमणीय है। झरने के नजदीक ही पारंपरिक खान पान का लुत्फ भी पर्यटकों द्वारा लिया जाता है। यहीं स्थित है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टंट्या भील का मंदिर। आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदिवासी क्रांतिकारी टंट्या भील का यह मंदिर श्रद्धा का केंद्र है। लगभग 40 मिनट बाद यह धरोहर रेलगाड़ी अपनी अगली मंजिल ब्रिज नंबर 647 के लिए निकल पड़ती है, लेकिन उसके पहले ट्रेन में मौजूद पेंट्री में उपलब्ध नमकीन और चाय की चुस्कियाँ इस मनोरम यात्रा का मजा दुगना कर देती है। यहाँ से इन घने जंगलों का सौंदर्य अप्रतिम ऊंचाइयों को छूने लगता है। कहीं गहरी वादियाँ, उन वादियों में बसे छोटे छोटे गांव, कहीं दोनों ओर काली चट्टानों की गूंज, कहीं कल कल बहती छोटी नदियाँ, तो कहीं रिमझिम बरसती बरसात। आप इन सबको निहार रहे होते हैं तभी ट्रेन गुजरती है पहाड़ को काट कर बनी सुरंग से। सुरंग के भीतर चंद सेकंड्स का अंधेरा पर्यटकों को रोमांचित कर देता है। सबसे अद्भुत और अविस्मरणीय दृश्य वो है जब गुफा के अंदर बिल्कुल डार्क अंधेरा रहता है, तब वास्तव में हेरिटेज का एहसास होता है। इस ट्रैक पर बनी लगभग 150 पुरानी ये चार सुरंगें इस यात्रा के रोमांच को बढ़ा देती हैं। 4 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन पहुंचती है ब्रिज नंबर 647 पर। लगभग 100 साल पुराना यह पुल वास्तुकला व इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल है। यहाँ 40 मिनट रुक कर पर्यटक ब्रिज से लगी हुई घाटियों पहाड़ियों को निहारते हैं। ब्रिज के मुहाने पर ही मिलती है तीसरी सुरंग। यहाँ से हेरिटेज ट्रेन चल पड़ती है अपने अंतिम पड़ाव कालाकुंड के लिए। 16 किलोमीटर की इस यात्रा में हर सैलानी अपने आप को प्रकृति की गोद में पाता है। ट्रैक के दोनों तरफ कहीं हरे पेड़ों की लटकती टहनियां, तो कहीं रंग बिरंगे जंगली फूलों की डालियां ट्रेन की खिड़की पर बैठे पर्यटकों को यूं छू कर निकलती है मानो उनका अभिवादन कर रही हूं। यहां रेल की पटरी के अलावा होता है केवल ऊपर की ओर घटाओं से भरा आसमान, सामने विराट पहाड़ और दोनों तरफ प्रकृति और इसका जादू। पूरी धरती हरी की माँ वाली हो गई है और बहुत सुंदर सजी हुई है पहाड़। यहाँ देखो दाएं बाएं पहाड़ों पर बादल उतरे हुए हैं और नदियां बह रही कलकल करती हुई है। शब्दों में न समेटी जा सकने वाली यह यात्रा प्रकृति की जीवंत परिभाषा लगती है और इसे निहारते हुए सैलानियों को लेकर यह धरोहर ट्रेन पहुंचती है अपने अंतिम पड़ाव कालाकुंड पर, जिसका ट्रेन में बैठे हर सैलानी को बेसब्री से इंतजार था। जहाँ तक कोई पर्सनल व्हीकल नहीं आ पाता, ज़्यादा रिस्की रहता है क्योंकि इतनी बड़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं, तो बेटर है कि ट्रेन आई है तो हम लोगों को बहुत एक्सप्लोर करने को मिल रहा है जगह को। ऊंचे पहाड़ों की गहराइयों में बहती है नदी कुंड जैसी दिखाई देती है और इन्हीं आसमान छूते पहाड़ों के कारण यहाँ सूर्यास्त के पहले ही अंधेरा हो जाता है, इसलिए इस स्थान को कालाकुंड कहा जाता है। साथ ही रेलवे के पुरातन पुर्जों को संरक्षित कर यहाँ संग्रहालय में रखा गया है जो कि एक आकर्षण का केंद्र है। प्रकृति की असीमित सुंदरता के साथ साथ यहाँ का कलाकंद भी विश्व प्रसिद्ध है। सैलानियों के अलग अलग ग्रुप्स और परिवार साथ लाए भोजन का आनंद उठाते हैं। परिवार के लिए घूमने के लिए बहुत अच्छी ट्रेन है, सारे परिवार के समेत आप आ सकते हैं। यहाँ पे रास्ते में पाताल पानी, कालाकुंड, सारी जगह बहुत ही सुंदर है और अद्भुत है। इसके अलावा यहाँ स्थित भोजनालय से भी शुद्ध व स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाया जा सकता है। भोजन के बाद कई सैलानी चोरल नदी की लहरों का आनंद उठाते हैं, तो कई पास स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर व माँ दुर्गा मंदिर में दर्शन लाभ लेते हैं। और अभी हम कालाकुंड में रुके हैं जहाँ बिल्कुल मनोहर आसपास पूरी पहाड़ियाँ हैं, पास में चोरल नदी बह रही है कलकल। वहीं बच्चों के लिए पहाड़ों की गोद में लगे ये झूले इस यात्रा को और मनोरंजक बना देते हैं। यहाँ हर स्टॉप पर साफ सुथरे शौचालयों की व्यवस्था तथा स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है। हेरिटेज ट्रेन के 2 घंटे के पर्याप्त स्टॉप में यहाँ सैलानियों द्वारा कुदरत की सुंदरता का आनंद लेने के बाद शाम 4 बजे समय आता है वापसी का।
Karakond is quite amazing. The scenery, the beauty we could see and witness, it's one of the lifetime experience. For the family get together and we enjoyed a lot. Yes. We really recommend the people to come in this train. It's very amazing. If you come with your family, you will enjoy a lot. Har ek sailani apne hriday mein is romanchak, manoram, adbhut व अविस्मरणीय यात्रा के अनुभव लिए शाम 4 बजे अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन के लिए वापस निकल पड़ता है। यकीनन महू और कालाकुंड के बीच हेरिटेज ट्रेन की यह 16 किलोमीटर की यात्रा मध्य प्रदेश के पर्यटन में अपना एक अलग स्थान बना चुकी है। ওভারঅল তোমার কাছে কি মনে হচ্ছে? ওভারঅল জিনিসটা মানে জায়গাটা খুবই সুন্দর। খুবই সুন্দর জায়গা, খুবই সুন্দর জায়গা। আমার মনে হচ্ছে এখনই চলে যাই। এই যে এখন বাকি শেষে আবার ওই অংশগুলোকে আবার দেখানো হচ্ছে। অনেক সুন্দর একটা ভিডিও, প্রকৃতিতে ভরপুর। ভিডিওটা যখন শুরু হয় তখন আমি ভেবেছিলাম যে এটা হচ্ছে যে হেরিটেজ প্লেসগুলো দেখাবে কিংবা হেরিটেজের অনেকগুলো ট্রেনের ভার্সন দেখাবে, এরকম কিছু মনে হয়েছিল। কিন্তু বিষয়টা টোটালি ভিন্ন দেখা গেল এখানে। এখানে একটা ট্রেন যেটা হচ্ছে একটা প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে সে একটা স্থান থেকে আরেকটা স্থানে যাবে, এবং এই যাওয়ার যে রাস্তাটুকু এর মাঝখানে সে বিভিন্ন স্টপেজে দাঁড়াবে এবং মানুষজন নেমে এনজয় করবে এই হেরিটেজ প্লেস। আমার কাছে মনে হচ্ছে কিছুটা আমরা যখন শিলংয়ে গিয়েছিলাম তখন গাড়িতে উঠে উঠে আমাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় স্টপেজে নিয়ে দাঁড় করাচ্ছিল এবং সেখানে আমরা ওই জায়গাটা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, তারপর আবার আমরা ওখান থেকে গাড়িতে উঠছিলাম। ঠিক সেম জিনিসটাই তারা হচ্ছে এখানে ট্রেনে ব্যবস্থা করেছে, কারণ এখানে গাড়ি যাওয়াটা একটু দুষ্কর। একজন ভদ্রমহিলা বলছিলেন যে এখানে গাড়িতে যাওয়াটা দুষ্কর পার্সোনাল গাড়ি দিয়ে, তো সেক্ষেত্রে এত উপরে পাহাড়ের উপরে যাওয়া তাদের জন্য ট্রেনেই ইজি। আর এত উপরে ট্রেন যাচ্ছে তো সবাই এটাকে এনজয় করছে। ট্রেন উপরে দিয়ে গেলে নিচের গ্রামগুলোকে কিন্তু অনেক ছোট ছোট লাগে এবং সবুজের মধ্যে দিয়ে যাওয়া এটা একটা এনজয়। তারপর হচ্ছে যে তোমার ঝর্ণাগুলো যেগুলো দেখালো এবং নদী আছে, তো সব কিছু মিলায় অনেক সুন্দর। ওভারঅল আমার কাছে মনে হচ্ছে খুবই সুন্দর একটা জায়গা হবে যাওয়ার জন্য। ট্রেনগুলো যে যে জায়গায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, মানুষজন নেমে নেমে যে প্লেসগুলো দেখছে ভিউ পয়েন্টগুলোতে, আসলে গাড়িগুলো ওখানে গিয়ে যে যাবে সেই ধরনের হয়তো ব্যবস্থাটা এখনো করা হয়নি। আর ট্রেনের ভিতরে অদূর ভবিষ্যতে হয়ে যাবে। আর ট্রেনের পিছনে একটা 360 ডিগ্রি ক্যামেরা আছে যা দিয়ে মানুষজন ট্রেনের ভিতরে বসে থেকেই দেখতে পাচ্ছে যে আসলে ট্রেনটা কোন দিকে যাচ্ছে, কিভাবে যাচ্ছে, ভিতর থেকে বসেই কিন্তু সে বাকি সিনারিগুলো দেখতে পাচ্ছে। আর আরো ব্যাপারটা দেখেছে যে ট্রেন কিন্তু খুবই মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমার কাছে মনে হচ্ছে দুইটা করে সিট আছে, মাঝখানে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ জায়গা ছিল এবং চাও পাচ্ছিল অন টাইমে, তারা সব কিছুই পাচ্ছিল, পানি পাচ্ছিল অন টাইমে। এটা একটা সুন্দর দিক যে সব কিছু ব্যবস্থা করে রেখেছে যে 16 কিলোমিটার জার্নিতে তাদের যেন কোনো ধরনের কষ্ট না হয় ট্যুরিস্টদেরকে, ট্যুরিস্টদের সেই জন্য তারা এই সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। এবং এই 16 কিলোমিটার জার্নি দেখছো যে সকাল থেকে শুরু হলো এবং সেটা আবার বিকাল 4টা থেকে ব্যাক করলো, তো একটা দিনে 2 ঘন্টা লাগছে অলমোস্ট, তোমার 2 ঘন্টা লাগছে বা 2 ঘন্টা ওখানে যে থাকে, 2 ঘন্টা কালাকান যে প্লেসটা ওখানে স্টে করবে, দেন তারা আবার ব্যাক করবে। তো এইরকম যে জার্নির বিষয়গুলো যেগুলো প্যাকেজ সিস্টেম থাকে এইগুলো আমাদের এমনিতেই ভালো লাগে। আর এইটা নর্মালি অন্য অন্য প্লেসে গাড়ি দিয়ে হয় আর এখানে ট্রেন দিয়ে হচ্ছে, তো এইটা হচ্ছে অনেক মানে অন্যরকম একটা রোমাঞ্চকর দিক বলা যায়। সবচেয়ে বড় হচ্ছে ন্যাচারের মধ্যে একটা রোমাঞ্চকর দিক আর কি। আজকের এই ভিডিওতে আমাদের রিয়েকশনটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। তো আপনারা সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি।